अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पद पर बनाए रखने की हड़ताल अब और आगे बढ़ गई है। कई दिनों तक चले इस्तीफे के दौर के बाद अब कुछ नेताओं ने मंगलवार से कांग्रेस मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की धमकी दी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान के खिलाफ एक बार फिर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइन्स थाने में आजम खान सहित 10 अन्य लोगों पर इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराई है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।